एक्टर शाहरुख खान के बंगले मन्नत में हाल ही में एक ऐसी घटना हो गई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। बुधवार रात दो युवक सुरक्षा में सेंध लगाते हुए मन्नत की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। इन दोनों युवकों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये दोनों युवक मन्नत में घुसने के बाद बंगले की तीसरी मंजिल तक भी जा पहुंचे थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर उन युवकों पर चली गई। उन्होंने दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि जिस समय ये दोनों युवक मन्नत में घुसे उस समय शाहरुख खान घर पर मौजूद नहीं थे। ये दोनों युवक गुजरात के सूरत से हैं और इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो गुजरात के रहने वाले हैं और शाहरुख खान के फैन हैं। वो शाहरुख खान से मिलने के लिए गुजरात से मुंबई आए थे। पुलिस ने बताया कि इस मामले में बिना परमिशन के परिसर में घुसने के साथ साथ आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और अब आगे की जांच की जाएगी। वही पता चला है कि शाहरुख खान उस समय जवान की शूटिंग कर रहे थे। वह गुरुवार को तड़के सुबह वापस लौटे और सोने चले गए। उसके बाद मन्नत के सिक्योरिटी स्टाफ ने उन दोनों युवकों को पकड़ लिया जो अंदर छुपे बैठे थे। ये दोनों युवक मन्नत के पिछले हिस्से की दीवार फांदकर घुसे थे। वहीं हाल ही में शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ एक प्रॉपर्टी मामले में लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। मुंबई के एक बिजनेसमैन ने लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई कि उसने तुलसियानी कंस्ट्रक्शन में एक फ्लैट खरीदा था जिसके लिए 85 लाख रुपए तक दे चुका है, पर वह फ्लैट उसे नहीं मिला। यह 2015 की बात है और तब गौरी खान तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपर्स लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर थी। फिल्मी जगत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी बौछार को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो शेयर, लाइक एंड कमेंट करें।